सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि वो मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। इस केस के बारे में वो हर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है जो उन्हें इंडस्ट्री से चाहिए, और हो सकता है कि वो खबर या वो इन्फॉर्मेशन अभी तक पुलिस को नहीं दी गई हो। कंगना रनौत ने हाल ही में एक टीवी पोर्टल को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने उन्हें कॉल किया था उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। तब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस को कहा था कि मैं अभी मनाली में हूं और आप यहां पर आपके किसी बंदे को भेज दीजिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। कंगना का कहना है कि बस इस बात के बाद पुलिस का कभी कॉल ही नहीं आया। जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जो कंगना रनौत खुद आगे बढ़कर कह रही है कि आप मुझसे पूछो, मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगी कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है, तो फिर पुलिस कंगना से अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं ले रही है? क्यों किसी को कंगना के पास स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं भेजा जा रहा है? आपको बता दें कि लोगों का ये भी आरोप है कि अब इस मामले को कवर अप किया जा रहा है। कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बात कर रहे हैं, उन्हें डिलीट किया जा रहा है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस वकील को अपॉइंट किया था, उस वकील ने हाल ही में अपने कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए और कहा कि किस तरह से उसके ट्वीट्स को दबाया जा रहा है और उसके रीट्वीट्स अपने आप ही कम होए जा रहे हैं। कहीं ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे ये बात साफ हुई है कि जो लोग इस केस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसकी CBI डिमांड कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और हाल ही में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का बयान इस मामले में सबसे बड़ा आया, जो कि ये था कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस मामले में CBI जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस इस चीज में पूरी तरह से सक्षम है। तो आपको क्या लगता है, जो भी इस मामले में अभी तक हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्यों कंगना रनौत का स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया? क्यों जो एक्ट्रेस आगे बढ़कर ये कह रही है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूं, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है, तो क्यों उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया? जब 34 लोगों का स्टेटमेंट लिया जा चुका है तो कंगना से पूछताछ क्यों नहीं की? और इन सभी बातों को सुनकर कुछ इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि कहीं मुंबई पुलिस भी प्रेशर में तो काम नहीं कर रही है? क्या कोई बड़े आका है जो इस मामले में दबाव बना रहे हैं? क्या जो माफिया बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम कर रहा था, वो माफिया इतना ज्यादा पावरफुल है कि पुलिस को भी उसके आगे दबना पड़ रहा है? सोचने वाली बात है।